सोमा बाहर स्मोक कर रहा था, तभी किरिसिमा आकर उसे कहता है, तुम्हारा इस रास्ते में स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है दोस्त। मिलकर खुशी हुई। तोरिया से सोमा, मैं हूँ मियामा किरिसिमा। मैं बता नहीं सकता कि तुम चालाक हो या बेवकूफ, पर हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं। हमारे मिलने का ये दूसरा टाइम है। मैं योशिनो को लेने आया हूँ। सोमा कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम हमारा पीछा कर रहे थे? किरिसिमा कहता है, क्या पता मैं कर रहा हूँगा तो, क्या तुमने नोटिस किया? सोमा कहता है, क्या तुम मेरे साथ हाथापाई करना चाहते हो? किरिसिमा कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं योशिनो के फैमिली मेंबर के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगर योशिनो और मैं शादी कर लेंगे तो तुम मेरे साले साहब बनोगे। सोमा कहता है, सुनने में घटिया भविष्य लगता है, तुम किसके ऑर्डर को फॉलो करके आए हो? किरिसिमा कहता है, ऑर्डर? क्या तुम्हें लगता है कि मैं प्रेसिडेंट मियामा या किसी और के दबाव में यहाँ आया हूँ? अभी योशिनो वेस्ट के साथ जंग की शुरुआत या जंग को टालने के लिए यूज हो सकती है, पर अनफॉर्चुनेटली योशिनो इस वजह से टोक्यो नहीं आई है। वैसे भी मुझे भरोसा है कि सोमी लीडर का थोड़ा सा भी इंटेंशन नहीं है कि मैं और योशिनो शादी कर ले। सोमी लीडर मुझे अपने पर्सनल रीजंस के लिए यूज कर रहे है। मैं ये बात जानता हूँ और इसे एक्सेप्ट करता हूँ। मैं उनका एडवांटेज ले रहा हूँ। ये एक विन विन सिचुएशन है। सोमा कहता है, विन विन? तुम्हें इसमें क्या मिलेगा? किरिसिमा कहता है, जब तक मैं सोमी लीडर का बात मानता रहूँगा तब तक योशिनो मेरे साथ रहेगी। मैं उससे प्यार करता हूँ, कोई भी उसका जगह नहीं ले सकता है। सोमा गुस्से में कहता है, क्या तुम सीरियस हो? इस टाइम योशिनो यहाँ आकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किरिसिमा कहता है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, बहुत लेट हो गया है। योशिनो कहती है, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? अच्छा, वो मुझे दो। किरिसिमा उसे एक फोन देता है। योशिनो कहती है, मुझे पता था इस बंदे ने मेरे फोन का क्लोन वर्जन बना लिया है और वो इसे मेरे फोन का लोकेशन और सारे डाटा जानने के लिए यूज कर रहा है। मैंने कहा था ना, मैं कहाँ हूँ जानने के लिए मुझे डायरेक्टली कॉल करना। किरिसिमा कहता है, हाँ अब से करूँगा। योशिनो कहती है, हर बार तुम यही कहते हो। वो चाह रही थी कि सोमा उसे रोक लेता है और कहता है, तुम्हें मेरे साथ ओसाका आना चाहिए, मैं उस बुड्ढे को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तुम इसे कैसे भी देखो, तुम्हारा मंगेतर एक पागल है। किरिसिमा भी योशिनो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम वापस नहीं जाओगी, मुझे लगता है तुमसे शादी करने के लिए मैं सबसे अच्छा बंदा हूँ। सोमा कहता है, जो तुमने अभी किया उसके बाद भी तुम ऐसा कहने का दम रखते हो, तुम बस एक स्टॉकर हो। किरिसिमा कहता है, योशिनो भी मुझे अक्सर ऐसा ही कहती है, पर कुछ भी हो योशिनो वापस ओसाका नहीं जाएगी और तुम्हारे जैसा एक आउटसाइडर इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। सोमा कहता है, क्या जरा फिर से कहना? योशिनो कहती है, आउटसाइडर? जबान संभाल के, सोमा मेरा परिवार है, यहाँ तुम एक आउटसाइडर हो बास्टर्ड। किरिसिमा स्माइल करके कहता है, मैंने ज्यादा कह दिया, माफ कर दो। योशिनो सोमा से कहती है, सोमा मेरे लिए चिंता करने के लिए शुक्रिया, पर मैं ठीक हूँ, तुम वापस ओसाका जा सकते हो। सुबह जाना है ना, अभी तुम सोने चले जाओगे तो अच्छा होगा, मैं किरिसिमा के साथ जा रही हूँ। सोमा कहता है, ठीक है। सुबह टोक्यो स्टेशन में योशिनो सोमा से मिलने आती है। सोमा कहता है, मैंने कहा था ना तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। वो कहाँ है? योशिनो कहती है, तुम्हारा मतलब किरिसिमा? वो शायद घर पर होगा, मैंने उसे बताया नहीं कि मैं आ रही हूँ। सोमा कहता है, तुम उसे लाइक तो नहीं करती हो ना? योशिनो कहती है, उसे कौन पसंद करेगा, मैं इसमें जीत कर ही वापस जाऊंगी। सोमा कहता है, मैं समझा नहीं योशिनो, अगर तुम अपनी खुद के रूल्स और स्वाभिमान को फेंक दे रही हो तो अच्छा होगा कि तुम अपनी लाइफ को भी फेंक दो, क्या तुम ऐसा करोगी? इस टाइम सोमा का ट्रेन आ जाता है। योशिनो उसे कहती है, सोमा अगर मैं अपने स्वाभिमान को फेंक दूंगी तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, उसको फेंकने के बाद मैं वैसे भी मर जाऊंगी। सोमा कहता है, तुम ऐसी ही हो, पर मैं इसके लिए अपनी लाइफ खतरे में नहीं डाल रहा हूँ। योशिनो पूछती है, तो किसके लिए? सोमा योशिनो की ओर उंगली दिखाता है। योशिनो हैरान थी। सोमा कहता है, तुम्हारे बाल में कीड़ा लगा है। योशिनो परेशान होने लगती है, पर सोमा इसे निकाल के कहता है,
ये तो ब्रेड का पीस है। ट्रेन में चढ़ने के बाद सोमा योशिनो को गले लगा लेता है और कहता है मैं वापस आऊँगा। योशिनो कहती है तुम प्रॉपरली कॉलेज जाना, मैं यहाँ अपना बेस्ट दूंगी। पर इन दोनों को पता नहीं कि किरिशिमा भी इन्हें दूर से देख रहा है। स्कूल जाते टाइम ट्रेन में किरिशिमा योशिनो के काफी नजदीक खड़ा हुआ था। योशिनो मन में कहती है बहुत क्लोज, मैं उसका बॉडी हीट महसूस कर पा रही हूँ और उसका स्मेल भी। वो पूछती है क्या हुआ है, क्या तुम्हें बुखार है? किरिशिमा कहता है मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ कि क्या होगा अगर कोई तुम्हारा खून करने का कोशिश करे तो। मैं बस सावधान हूँ, अगर बाय चांस कोई तुम्हें मार देगा तो मैं भी मुर्दा बन जाऊंगा। योशिनो कहती है मैं कभी इतने भीड़ वाले ट्रेन में ट्रैवल नहीं की हूँ, मैंने पहले तुम्हें नहीं बताई थी क्योंकि मुझे लगा तुम मुझे बिगड़ी हुई समझोगे। टोक्यो आने से पहले मैं स्कूल कार में जाती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था अगर ड्राइवर स्कूल के पास कार को रखे तो। पर मिडिल स्कूल के फर्स्ट ईयर में मैं स्कूल चल के जाती थी क्योंकि तब मैं सोमा के साथ जाती थी। अचानक ही योशिनो समझ पाती है कि किरिशिमा उसे खतरनाक नज़रों से देख रहा है, इसीलिए स्कूल पहुंचकर भी वो यही सोचती है कि जब वो पहली बार स्कूल में आई थी तब भी उसने ऐसा लुक दिया था। वो मन में कहती है मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इस बंदे को प्यार में गिराने के लिए कोई एफर्ट नहीं देना पड़ा। अपना ध्यान भटकाने के लिए योशिनो मैसेजेस देखने लगती है। फिर जब वो खिड़की से बाहर की तरफ देखती है तब वो देखती है कि किरिशिमा उसे देख रहा है। वो बहुत हैरान होती है, योशिनो से अब बर्दाश्त नहीं होता है। वो आज के आज ही ओसाका जाने के लिए सारी पैकिंग शुरू कर देती है। वो दरवाजा खुलती है और बाहर किरिशिमा को देखती है। किरिशिमा कहता है मुझे ये पार्सल ओसाका से मिला है। योशिनो इसे पकड़ के कहती है ये बहुत भारी है। किरिशिमा पूछता है योशिनो क्या तुम अभी जा रही हो? योशिनो कहती है नहीं मैं बस कपड़े समेट रही हूँ। किरिशिमा कहता है अच्छा मुझे लगा तुम पैकिंग कर रही हो जाने के लिए। योशिनो को एक बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि अब किरिशिमा के होते वो नहीं जा पाएगी। वो पूछती है क्या तुम मुझे अभी मार देना चाहते हो? किरिशिमा कहता है तुम्हें मारना? योशिनो कहती है क्या तुम मुझसे नफरत करते हो या मुझसे बोर हो गए हो? किरिशिमा कहता है ऐसा नहीं है। योशिनो कहती है क्या ये सोमा के वजह से है? तुम सोमा को पसंद नहीं करते हो है ना? किरिशिमा कहता है मुझे पता नहीं, इससे पहले मैंने कभी किसी को नापसंद नहीं किया है। योशिनो कहती है क्या हो अगर मैं कहूँ कि मैं और सोमा डेट कर रहे हैं तो? किरिशिमा कहता है मुझे बुरा नहीं लगेगा, कभी कभी दूसरे लड़कियाँ मुझ पर चीट करती है, अगर तुम भी मुझे ओसाका के उस बंदे के लिए छोड़ दोगी तो भी मैं खुश ही रहूंगा, पर एक शर्त पे। योशिनो पूछती है कैसा शर्त? किरिशिमा कहता है तुम जो भी करना मेरे सामने करना, मैं ही अकेला तुम्हारे प्यार में पड़ा हुआ हूँ तो मैं तुम्हारे खिलाफ जीत नहीं सकता। अगर तुम मुझे चीट करने वाली हो तो अपने लवर से किस करो या उसके साथ सेक्स करो, सब कुछ मेरे सामने करो, चाहो तो मुझे एक पिलार से बांध सकती हो और आखिर में मैं उसे मार दूंगा, फिर सब बैलेंस हो जाएगा। योशिनो कहती है क्या तुम पागल हो? अगर मैं उसे सच में डेट कर रही होती तो? किरिशिमा कहता है मुझे पता है तुम नहीं कर रही हो, पर फैमिली के हिसाब से तुम दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज हो, तुम दोनों ब्लड रिलेटेड भी नहीं हो। योशिनो कहती है मेरे फैमिली में मेरे दादाजी को छोड़कर कोई भी ब्लड रिलेटेड नहीं है, तुम सोमा से जेलस हो। किरिशिमा कहता है हाँ मैं जेलस हूँ। उसके इस पागलपन को देखकर योशिनो कहती है मैं सोच रही थी कि एक साल बाद तुम्हें डंप करके ओसाका चली जाऊंगी, पर अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अगर मैं तुम्हारे प्यार में बाय चांस भी पड़ गई तो मैं टोक्यो में ही रहूंगी, पर तुम्हारे प्यार में गिराने के लिए तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव करोगे लेकिन ये काम नहीं करेगा। किरिशिमा पूछता है तो मैं क्या करूँ? योशिनो कहती है दुनिया का सबसे जिद्दी और पागल इंसान बन जाओ, यही हजार गुना बेहतर होगा। किरिशिमा कहता है अब तो मैं तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगा। सुबह योशिनो को गर्मी के दिन होने वाला बुखार हो जाता है, ये प्रॉब्लम उसके बचपन से ही है। किरिशिमा उसके लिए ड्रिंक्स लेकर आता है, योशिनो उसे अपने बुखार के बारे में बताती है। किरिशिमा उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है पर योशिनो कहती है कि उसे हॉस्पिटल पसंद नहीं है। किरिशिमा कहता है ठीक है मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं हर एक घंटे में तुम्हें मैसेज भेजूंगा, रिप्लाई जरूर देना।
क्लास में किरिसिमा उसका हालचाल पूछने के लिए मैसेज करता है, पर एक समय के बाद योशिनो और रिप्लाई नहीं देती है और वो उसका कॉल भी नहीं उठाती है। किरिसिमा को उसकी चिंता होती है। इस टाइम उसे एक याकुजा वाला काम का मैसेज आता है। वो जल्दी उस आदमी के साथ अपना काम निपटा कर सीधा योशिनो के कमरे के सामने आता है। वो लॉक खोल कर अंदर आ जाता है और योशिनो का टेम्परेचर चेक करके ये देखता है कि उसे बहुत ज़्यादा बुखार है। तुरंत वो इनोमोरी को कॉल करके एक कार लेकर आने के लिए कहता है। वो कार में योशिनो को लेकर हॉस्पिटल की ओर चला जाता है। इस समय योशिनो मन में कहती है, सब कुछ बहुत धुंधला है और एक अच्छी खुशबू आ रही है। ये खुशबू क्या है? सुबह रेंजी किरिसिमा को कॉल करते हैं और कहते हैं, सुबह सुबह कॉल करने के लिए सॉरी, वो अभी कैसी है? किरिसिमा कहता है, वो अभी ठीक है, अभी के लिए उसकी बुखार जा चुकी है। रेंजी कहते हैं, सॉरी, तुम्हें हमेशा उसके ख्याल रखना पड़ रहा है, क्या उसने कुछ कहा? किरिसिमा कहता है, हाँ, उसने मुझे बार बार स्टकर कहा। रेंजी कहते हैं, वो लड़की हमेशा बुरी बातें बोलती है। किरिसिमा कहता है, उसने कहा कि वो एक साल तक यहाँ रहना चाहती है। रेंजी कहते हैं, तुम्हें परेशानी हुई इसके लिए माफ कर दो, प्लीज एक साल के लिए उसका ख्याल रखना। किरिसिमा कहता है, हाँ, मैं वादा करता हूँ। इनकी ये बातचीत सोमा भी सुन रहा था।